पराठा फ्रेंड्स एक ऐसी रेसिपी है ना जिसे हम रोज़ ही बनाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर में बनाएं। लेकिन आज पराठे में हम वेरिएशन करेंगे जिसके बाद आप इसे महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ लोग तो होते हैं जिन्हें रोज़ ही पराठे खाने होते हैं, अगर आप भी उनमें से ही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। ये महीनों ना खराब होने वाले और अमेजिंग पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जो सामान लगेंगे ना वो एकदम लिमिटेड और आपके किचन के होंगे। तो सबसे पहले तो ले लिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेहूं का आटा। मैंने करीब 1.5 कप जितना आटा लिया है, इससे आप 5 से 6 पराठे बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे खस्ता करने के लिए 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। दोनों को अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आप डो जैसा लगाकर तैयार कर लें। फ्रेंड्स अगर आपके पास आटा लगा हुआ रखा है ना तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए डो लगकर तैयार हो गया और आप बारी है इसे रेस्ट पे रखने की, तो 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रख देते हैं। इस अमेजिंग पराठे को बनाने के लिए ना आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना होगा, जो कुछ आपके घर में होता है ना आप उससे ही ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ले लिए 4 प्याज, उसके साथ ही 2 उबले हुए आलू और 1 छोटा सा टुकड़ा पनीर का। और इन सब चीज़ों को हम कद्दूकस करेंगे, लेकिन जो प्याज लिया है ना उसे इस तरीके से एकदम छोटा छोटा सा कट करें। अगर कद्दूकस किया तो क्या होगा कि प्याज पानी छोड़ देगी। तो लीजिए आलू, प्याज, पनीर सब कद्दूकस होकर तैयार हो गए हैं। अब आ रही है इसमें एकदम लिमिटेड से मसाले डालने की। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितने बारीक कटे हुए काजू। इससे बाइट बहुत अच्छी आती है और पराठे बहुत ही रिच टेस्ट के बनेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितना ही गरम मसाला। और ये मैंने लिया है थोड़ी सी खटाई, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी जिसे क्रश करके डाल दिया। और ये गया हरा धनिया। और तीखा करने के लिए लाल मिर्ची भी डाली है, गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। और इसकी जो स्टफिंग बनेगी ना नॉर्मल नहीं बनेगी, ये देखिए एकदम खिली खिली आपको स्टफिंग बनानी है। जैसे नॉर्मली हम स्टफिंग को मैश कर देते हैं ना, उस तरीके से इसे मैश मत कीजिएगा, ऐसे ही खिली खिली रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसी बीच जो हमने डो लगा कर रखा था वो भी बढ़िया सा आराम कर चुका है। तो अब बारी है उसके पेड़े बनाने की। और पेड़े बनने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक पेड़ा लीजिए, सूखे आटे में कोट कीजिए और उसे इस तरीके से आप बेल कर तैयार कर लीजिए। और बेलने के बाद में उसमें लगाइए थोड़ा सा देसी घी। घी ज़रूर लगाइए, इससे आपका जो पराठा बनेगा ना वो बहुत ही खस्ता बनेगा। भर भर के स्टफिंग लगाइए, जब तक भरमा पराठे बनाएं और स्टफिंग बढ़िया सी ना होना तो टेस्ट नहीं आता है। और उसके बाद इस तरीके से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। और जब अच्छे से सिक्योर हो गया तो सेम प्रोसेस से मैं आपको एक और दिखाती हूँ कि बनाना किस तरीके से है। पराठा लिया, बेल लिया, देसी घी अप्लाई किया और अब लगाएंगे इसमें फिर से भर भर के स्टफिंग। स्टफिंग जितनी ज़्यादा होगी पराठा उतना ही बढ़िया बनेगा। और फ्रेंड्स ये फटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। स्टफिंग एकदम भर भर के लगाएं और उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लें। बस सिक्योर करते हुए ध्यान रखिए कि आपका ऐसा नहीं है कि स्टफिंग थोड़ी बहुत निकल रही है, अगर निकलेगी तो पराठा फट जाएगा। तो बस बढ़िया सा सिक्योर कर लिया। अब बारी है इन्हें बेलने की। तो फिर से सूखे आटे में कोट किया और इसके लिए आपको बेलन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी तरीके से उंगलियों के साथ थपक थपक के बना लें। हमने जो आटा लगाया था अच्छा सॉफ्ट सा लगाया था, इसलिए आप देखेंगे कि स्टफिंग भी नहीं निकलेगी, पराठा भी अच्छे से बिलकर तैयार हो जाएगा। तवा गरम किया, पराठा प्लेस कर दिया और इसी बीच एक और पराठे को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अभी तो चल रहा है नॉर्मल पराठों के तरीके से, अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इसे महीनों के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं। जब पराठा एक तरफ से ड्राई दिखने लगे आप उसे आराम से टर्न कर दीजिए। इसे आपको सेकना है मीडियम से लो फ्लेम के बीच में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेकें। और अभी आपको इसमें घी, तेल, चिकनाई कुछ नहीं लगानी है, बस आपका ये पराठा स्टोर करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। बस सिक जाए पर ओवर कुक नहीं करना है।
और ये मैंने ले लिया एक बटर पेपर, आप चाहें तो फॉइल पेपर ले सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वाले हैं ना तो पराठों को पहले अच्छे से ठंडा कर लें। और अब करेंगे हम इसे इस तरीके से अच्छे से पैक। तो ये लीजिए, एक पराठा पैक हो गया है, इसे भी छाना, दूसरा पराठा एक तरफ से सिक गया है उसे भी टर्न कर दिया, और ये दूसरी तरफ से भी सिक गया। और ये लीजिए, ये पराठा भी हमारा स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। और जब ये पराठे आप अच्छे से पैक कर लें उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अभी तीन पराठे तो पैक कर लिए हैं जिसे मैं स्टोर करने वाली हूँ, तो बस आप इसे फ्रीज़र में रख दें। तो मैंने इसे रख दिया फ्रीज़र में, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे आज खाएं, कल खाएं या एक महीने बाद खाएं। और अब मैं बताती हूँ कि आपको इन्हें सेकना कैसे है। आधे तो हमने पराठे पहले से सेक कर रख लिए हैं, अब हम इन्हें बनाएंगे दिल्ली की चांदनी चौक वाली जो गली है ना, बिल्कुल उसके टेस्ट के पराठे, या आप कह सकते हैं आगरा में रामबाबू वाले पराठे। तो बस आप एक भारी सा पैन ले लें, उसमें डाल दें देसी घी। इन पराठों का अगर आप असली स्वाद चाहते हैं ना तो देसी घी के साथ ही बनाएं। और उलट पलट कर मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इन्हें जब तक सेकें जब तक एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, पराठे अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, साउंड आप सुन सकते हैं बहुत ही शानदार आ रही है। तो एक पराठा बनकर तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं जो घी हमने एक टेबल स्पून जितना डाला था ना उसमें से थोड़ा सा घी बच गया है, तो थोड़ा सा घी और डालेंगे क्योंकि अभी तो हमें और पराठा सेकना है। तो ये रख दिया मैंने दूसरा पराठा। इन पराठों को ना तो आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाएं ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएं। और ये मैंने रखा घर का जमा हुआ गाढ़ा दही, हरी धनिया की तीखी चटनी, और ये लीजिए दूसरा पराठा भी मस्त सा बनकर तैयार हो गया है। स्टफिंग देखिए क्या ज़बरदस्त है, और देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना होगा, तभी आप इसका प्रॉपर टेस्ट ले पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट का है, बहुत ही खस्ता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इन पराठों की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे बताएंगे रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।